तो केवल अष्टकम में बताया गया है कैसे भगवान का नाम मीठा है, सबसे पवित्र है, मंगलमय है। भगवान का नाम सब कुछ है, यही सबसे बड़ा सत्य है। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, सब रोष पिता चापि समाता बांधवोपि एक चेत सदा स्मत हरेर नामेव केवलम, हरेर नामेव केवलम। बोल रहे हैं हरि का नाम ही सब कुछ है, वही आदमी आपका सच्चा पिता है, वही सच्चा गुरु है, वही माता है सच्ची, वही आपके सच्चे बंधु हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि भगवान का नाम सब कुछ। शिक्षा चेत सदा स्मर तुम, जो आपको यही सिखाएं, भगवान का नाम हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए, वो सबसे बड़े बंधु। बिकॉज जीवन में कोई मदद नहीं कर सकता, केवल भगवान ही अंततः मदद। जीवन की सबसे बड़ी जो विपत्ति आएगी मृत्यु के समय, केवल भगवान ही हमारी मदद। इसलिए वही सच्चे गुरु हैं, वही सच्चे माँ हैं, वही सच्चे पिता हैं जो हमें सिखा दें कि हमें किसका स्मरण करना चाहिए, किसकी शरण लेनी चाहिए, भगवान के नाम के। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था का नाम, बहुत सारे लोग अपने संस्था का नाम अपने प्रयासों के द्वारा अपना नाम रखते हैं, चिन्मयानंद मिशन, रामकृष्ण मिशन। प्रभुपाद जी ने क्या नाम रखा? प्रभुपाद मिशन। क्या नाम रखा? इंस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर। क्योंकि जीवन में वो यही सिखाया प्रभुपाद जी ने कि आपको किसका स्मरण करना पड़ेगा? कृष्ण का। सो प्रभुपाद चाहते तो प्रभुपाद कॉन्शियसनेस सोसाइटी भी रख। इसको हमें सिखाया जाता है कि आप किसको याद करें? कृष्ण को याद करें, वो हमेशा आपकी रक्षा। तो इसीलिए कृष्ण को याद करना जीवन में बहुत जरूरी, बिकॉज जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी जो आपकी स्थिति, आपका शरीर कोऑपरेट नहीं करेगा। जैसे एक बार मैं बहुत बीमार था, शरीर से बहुत कष्ट हो रहा था, मम्मी बगल में है, पिताजी है, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता। जो कष्ट है वो तो वो लोग ठीक नहीं कर, बगल में बैठ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में कष्ट हटाना तो संभव। इसीलिए जो आदमी दूसरों को सिखा देता है कि आप कृष्ण की शरण लीजिए, वही सच्चे माँ है, पिता है, सच्चे गुरु है। अगर किसी को साइनस का प्रॉब्लम है, उसका नाक ही टेढ़ा है, हड्डी टेढ़ी है, क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं, कोई भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान चाहे तो ठीक कर भी, उनके हाथ में पूरी सृष्टि है। और भगवान चाहे नहीं भी ठीक करके, वो भी उनकी कृपा है कि आपको इस जीवन के बाद भगवत धाम ले चले, कि आपको समझ में आ जाए कि फायदा नहीं है इधर रह के। तो इस दुनिया में भगवान से बड़ा कोई चिंतक हमारा नहीं है। तो जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, चतन चेतन में कल पढ़ रहा था कैसे तो ब्राह्मण तीर्थ के लिए वृंदावन गए, काशी दक्षिण भारत से विद्यानगर से घूमते वो लोग काशी गए, वाराणसी, काशी गया, प्रयाग, होते होते अंततः वृंदावन गए। वृंदावन बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। एक ब्राह्मण बूढ़े थे, एक ब्राह्मण छोटे थे, तो छोटे ब्राह्मण ने बड़े ब्राह्मण की बहुत सुंदर सेवा की, ताकि सेवा करने के पुण्य से भगवान खुश हो जाए, उस पर कृपा करे। तो बड़े ब्राह्मण वृंदावन में बहुत खुश हो गए, बोले कि तुमने मेरे को इतना सेल्फलेस सेवा की, आपके कारण में मेरे को परेशानी नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, मैं धामों का दर्शन कर पाया। मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरी बेटी के साथ शादी कर ले। उन्होंने बोला, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण था और बड़े ब्राह्मण अमीर थे, उन्होंने बोला ये तो संभव नहीं होगा, क्योंकि आप क्या हैं, बहुत पैसे वाले हो, मैं गरीब हूं,
बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल तो रहे, लेकिन आप लोग का कुल, आप लोग इतने पैसे वाले, आप लोग इतने धन वाले, आप लोग इतना विद्या धन सब अलग ही है मेरा। तो ब्राह्मण घुस हो गए बड़े वाले की, भाई मैं बोल रहा हूं मैं अपनी बेटी का शादी करूं, तू क्या देखा आपने बम आप फैमिली मिली से कंसल्ट कर ली। तो बोलने लगे अरे मेरी जो बेटी है मोर नीचे धन, वो क्या है मेरी प्रॉपर्टी, जिसको देना चाहे कैसे कोई रोक देगा। बोल तो दिए छोटे ब्राह्मण ने, बोले देख लिया अभी कोई कंसल्ट करे, बोले कंसल्ट करने की जरूरत, मेरा बेटी है जिसके साथ में देंगे उसके साथ कौन है दुनिया में उनको रोकने। देखिए आप बोल रहे ब्राह्मण का सब झूठ नहीं होना चाहिए, आप गोपाल जी के सामने साक्षी दे दीजिए। तो गोपाल जी के सामने साक्षी दे, बोले हाँ मैं अपनी बेटी को इसको दान कन्यादान कर रहा हूं। बोले ठीक है। छोटा ब्राह्मण ने बोला देखिए भगवान ये बोल रहे हैं, अगर इनका बात सत्य नहीं हुआ तो आपको साक्षी है, आपको बुलाऊंगा। फिर दोनों लोग विद्यानगर आ गए। अब जो फैमिली में रहने लगा वो, तो एक आध महीना बाद उसको डर लगने लगा कि था बोल तो दिया था मेरे छोटे ब्राह्मण को भाव भाव में, लेकिन अब करना पड़ेगा। तो उसने एक दिन फैमिली का इष्टा गोष्ठी किया, पत्नी को बुलाया, बच्चे लड़के को बुलाया, सबको बुलाया। तो बोला ऐसे ऐसे वृंदावन बहुत सुंदर लड़का है एक, बहुत सुंदर मेरी सेवा किया है और बहुत अच्छा लड़का है, इसी से मैं सोचा अपनी बेटी का शादी आप तो ले। उसका पत्नी बच्चा सब हाहाकार मचा दी, बहुत अच्छा लड़का ऐसे शादी कर। बोले नहीं इससे शादी नहीं होगा, ये कोई लड़का है, हम लोग कुल बर्बाद हो जाएगा, हम लोग सब गरीब आदमी, हम लोग अमीर, वो लोग सब बेटे लेवल पे देख रहे थे। बोले कि नहीं नहीं हम तो इसी शादी करेंगे जो आपका। तो पत्नी बोला हम 20 उनका कैसे मर जाएगा, 20 खाए हुए मरी भी मैं मर जाऊंगी। और बेटा बोलने लगा हम भी मर जाएगा, बहुत बेचारा पड़ता, पत्नी बच्चा को मार नहीं सकता और झूठ बोल नहीं सकता, अभी भी रोने लगा, सब लोग रोने लगे। अब बेटा फिर बोलने लगा कि भाई ठीक है आप झूठ मत बोलिएगा, आप बोल दीजिएगा कि हमको पूरा पूरा याद नहीं, बाकी हम देख लेंगे। बोले भाई झूठ बोलेंगे तो किसको बुलाएगा, गोपाल जी को साक्षी बुलाएगा, समझ रहे, गोपाल जी को साक्षी बुलाएगा वो, समझ रहे। और गोपाल जी फिर आ जाएंगे साक्षी देने के लिए। तो बड़े ब्राह्मण को भगवान भरोसा था वो जो साक्षी देंगे नहीं, छोटे ब्राह्मण को बोला नहीं, वो जो बेटा था उसको भरोसा, बोले ठीक गोपाल जी अगर साक्षी देंगे तो हम दे देंगे अपनी बहन को, हम दे दें कोई बहुत बड़ा इशू। अब थोड़े दिन बाद छोटा ब्राह्मण आया उनके घर, बहुत दिन हो गया आप तो बोले शादी करवाएंगे क्या हुआ। तो बोला तब तो उसका भाई आके बोला ना नहीं सब तुम झूठ बोल रहा नहीं होगा। तो बोला गांव वाला को बुलाया, गांव वाला आया बोले भाई तुमने जब बोला है इसको देगा लड़की तो क्यों नहीं दे रहा। तो उसने बोला कि भाई का बेटा भी आ गया, बोला हाँ हाँ मेरे को सही से याद नहीं। तो उसका बेटा आ गया, बोला ये लड़कवा मेरा बाप को ले गया वृंदावन, और इसका पैसा बहुत था पापा के पास तो इका किया, इसका मन लोभ आ गया, ये मेरे बाप को धतूरा पिला दी। क्या पिला दिया, धतूरा पिला के उसको क्या किया, पैसा उसे छीन लिया, बोला चोर लेके चला गया, चोर ने यही चोरी किया, इतना ही नहीं और इसको धतूरा पिला पागल कर दिया। और मेरा बाप को बोल रहा है कि अब चोरी तो किया, बोल रहा है कि लड़की का शादी भी कर। तो वो छोटा ब्राह्मण बोला देखिए गोपाल जी साक्षी है, बोला ठीक गोपाल जी को बुला लो साक्षी देंगे तो दे देंगे। तो कहाँ गया, तो इधर मैं बताना चाह रहा था कि कैसे बड़े ब्राह्मण के जीवन में जो कष्ट आया तो उन्होंने किसका स्मरण किया, भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान आप ही कुछ करो, मेरा शब्द भी झूठ नहीं जाना चाहिए और मेरा क्या बोलते हैं
बीवी बच्चा भी नहीं मरना चाहिए। तो उसकी प्रार्थना से उसने भगवान का स्मरण किया। इधर भगवान जो थे छोटा ब्राह्मण गए और बोलने लगे भगवान साक्षी दे दीजिए। भगवान बोलते हैं तुम जाओ वहां पर सभा इकट्ठा करो, फिर हमको बुलाना, हम आ जाएंगे, हम साक्षी दे देंगे। बोले हम इस बार रिस्क नहीं लेंगे, इतना दूर से हम आए हैं, आप पहले आ जाते हो तो आपको चलना पड़ेगा। तो बोला कि मूर्ति को चलते हुए देखा है कभी? मूर्ति को बोलते हुए नहीं देखा हमने, समझ रहे? तो भगवान पिघल गए। फिर भगवान पैदल आए, भगवान ने बोला ठीक है मैं चलूंगा जरूर, और तुम पीछे मुड़ के देखना मत, मेरा नूपुर का आवाज से तुम समझ जाना कि मैं चल रहा हूं, और प्रसाद खिला देना जरूर, हमसे भूखा होगा नहीं रहा है। 1 किलो राइस हमको रोज, वो 1 किलो भगवान अपना प्रसाद का व्यवस्था कर दे, जो भी हो जैसे भी स्थिति में चलिए प्रसाद उसाद मिलना है। तो फिर भगवान पहुंच गए, फिर साक्षी दिए, एंड देन बड़ा ब्राह्मण भी खुश हो गया, छोटा ब्राह्मण भी खुश हो गया, पूरा गांव के लोग भक्त हो गए। तो पॉइंट ये है कि कैसे कोई अगर भगवान का स्मरण करता है, भगवान का स्वेटर लेता है, तो उसकी विपरीत परिस्थिति भी क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएगी। इसलिए हर स्थिति में आदमी को जो सच्चे गुरु है, सच्चे माँ है, सच्चे पिता है, वो यही सिखाएंगे भगवान हरि की क्या लीजिए आप, कैसे शरण ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे नाम प्रभु की जय। नॉलेज ऑफ आवर मोस्ट